नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार एस पी एस टी डी पॉइंट पे। तो दोस्तों, मैथ की एक और नई वीडियो लेके मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को आज करवाने वाला हूँ कि बी एस सी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका टॉपिक चल रहा था आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, यानी करेक्टरिस्टिक्स रूट एंड वेक्टर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने टाइप के आप करेक्टरिस्टिक रूट को क्या क्या बोल सकते हो, करेक्टरिस्टिक रूट को आप आइगन वैल्यू भी बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, लेटेंट रूट। ठीक है, तो उस पर जो आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में इस वाले चैप्टर में एमसीक्यू टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न वन बाय वन करके आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें कुछ होंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के ऊपर और कुछ होंगे जो लास्ट में मैंने टॉपिक कराया था आपको, क्या करवाया था, कैली हेलमिंटन थ्योरम, तो उसके बेस पे, और जो उससे पहले मैंने एक वीडियो में तीन चार आपको थ्योरम्स करवाई थी उसके बिहाफ पे बहुत सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने नहीं करवाया था लेकिन उसके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को करवा दूंगा, वो क्या है, वो है डायग्नलाइजेशन, जिसके बिहाव पे भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि करैक्टरिस्टिक, कह रहा है कि करैक्टरिस्टिक रूट बताओ, रूट, एक मिनट कलर चेंज कर दूं, करैक्टरिस्टिक रूट, कह रहा है कि करैक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, वेयर जहां वन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू स्क्वायर आ, एक कह रहा कि एक क्यूबिक रूट है ऑफ द यूनिट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब आप लोगों ने इसका क्या किया था, अब जब मैंने इसको मतलब कि कैसे सॉल्व करना है वन बाय वन करके जब मैं आप लोगों को ये टॉपिक करा रहा था तो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था कि पहला स्टेप इसमें क्या फॉलो करना होता है। पहला स्टेप क्या करना होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर इसको हमें लिखना है तो हमें पहले लिखना होगा a माइनस लैम्डा आई के फॉर्म में। ठीक है, a माइनस लैम्डा आई के फॉर्म में, उसके बराबर ये बराबर हम ले लेते हैं क्या, जीरो। तो अगर हम इसको a माइनस लैम्डा आई के फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, वन माइनस लैम्डा। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा w और w स्क्वायर, उसके बाद में हो जाएगा w, w स्क्वायर माइनस लैम्डा और यहाँ पे हो जाएगा 1, उसके बाद में w स्क्वायर 1 और w माइनस लैम्डा। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद में हम क्या निकालते थे, उसके बाद में हम निकालते थे a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या होता था, ये हमारा होता था डिटर्मिनेंट, क्या होता था, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते थे किसका, ये जो हमने मैट्रिक्स अभी लिखा है वन माइनस लैम्डा आई के फॉर्म में, इस मैट्रिक्स का हम निकालते थे क्या, डिटर्मिनेंट। ठीक है, और वो डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता था, बराबर जीरो कर देते थे और उसके बाद में लैम्डा की कुछ वैल्यू आती थी, और जब लैम्डा की वैल्यू आती थी तो हम क्या करते थे, वो हमारा हो जाता था क्या, वो हमारा हो जाता था रूट। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो रूट आएगा वो आएगा जीरो जीरो जीरो, क्या आएगा, जीरो जीरो जीरो। तो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के मैंने पिछले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो कैसे रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से करवाया है आप लोगों को। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को दिक्कत होगी ये फाइंड आउट करने में। ठीक है, मैंने आधा क्वेश्चन करवा दिया आप लोगों को, आंसर बता दिया है, आधा आप खुद सॉल्व करोगे और इसका आंसर निकालोगे। ठीक है, तो आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर दो पे। अब आज का क्वेश्चन नंबर दो क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर दो क्या दे रखा है, कह रहा है कि लेटेंट रूट ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब इसका लेटेंट रूट। अब चाहे लेटेंट रूट पूछे, चाहे करैक्टरिस्टिक्स रूट पूछे, चाहे आइगन वैल्यू पूछे, सबका निकालने का तरीका सेम है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ए माइनस लैम्डा आई, क्या, a माइनस लैम्डा आई के फॉर्म में पहले लिखेंगे, उसके बाद में इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर डिटर्मिनेंट हमारा जीरो के बराबर रख देंगे तब हमारा रूट की कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको a माइनस लैम्डा आई के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा,
ये आएगा हमारा 1 माइनस लैम्डा, 2 और 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद में 0, 4 माइनस लैम्डा और आ गया 5। उसके बाद में 0, 0 और 6 माइनस लैम्डा, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या निकालेंगे हम इसका? इसका हम निकाल देंगे a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, यानी हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, यानी इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो हम क्या निकाल देंगे? अब 0 के बराबर लेंगे तो पहले हम क्या लेते थे? पहले हमें लेना होता था, सबसे पहले हम ये वाला लेते थे। जब हम ये वाला लेते थे तो ये पूरा रो 0, ये पूरा कॉलम 0, हमारे पास क्या बचता था? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता था, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता था। तो हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा क्या? 4 माइनस लैम्डा और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 × 6 माइनस लैम्डा और माइनस का हो जाएगा 0, क्योंकि ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम 2 लेते हैं, देखो, अब सपोज करो कि हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया दो। तो दो के केस में क्या होगा? अब दो लिया तो ये पूरा रो 0, ये पूरा कॉलम 0। तो ध्यान से देखो, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, तो यानी माइनस का 0 आ गया। अब हम जब तीन लेंगे तो तीन में क्या होगा? तीन में हमारा हो जाएगा ये देखो, जब तीन लेंगे तो ये पूरा रो 0, ये पूरा कॉलम 0, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास? ये बचा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इससे इसको मल्टीप्लाई किया 0, तो फिर प्लस करके 0 आ गया। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास ये बचा। तो एक बराबर हम ले लेंगे क्या? 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू वो 1 आ गई। फिर ले लेंगे 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो 4 आ गई। 6 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो 6 आ गया, ठीक है। तो हमारा करैक्टरिस्टिक रूट बोलो या लेटेंट रूट बोलो या आइगन वैल्यू बोलो क्या आ जाएगा? इसको मैं मिटा देता हूँ और वो क्या आ जाएगा हमारा? वो आ जाएगा हमारा 1, 2 और 4, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया? दूसरे का आंसर हो गया सी। आगे बढ़ें, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? कह रहा कि फाइंड आउट, देखो आइगन वैल्यू, एक मिनट, कह रहा आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, कह रहा ये जो मैट्रिक्स दे रखा है इसकी आइगन वैल्यू बताओ। अभी मैंने ऊपर जो लैटेंट रूट निकाला था सेम उसी तरीके से पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? a माइनस लैम्डा आई में। फिर क्या करेंगे? फिर लेंगे इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जहाँ तक बनेगा 1 माइनस लैम्डा क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। यानी 1 क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब बनेगा, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, एक ब्रैकेट में उसको सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 1, 1 और -1, क्या आएगा? 1, 1 और -1, क्योंकि अभी मैंने कराया है तो इसका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? कह रहा कि स्पेक्ट्रल वैल्यू ऑफ दी मैट्रिक्स। स्पेक्ट्रल वैल्यू का मतलब होता है कि अगर कोई आपका सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक वेक्टर दे रखा है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू करैक्टरिस्टिक्स रूट, मतलब कि कोई सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक वेक्टर दे रखा है किसके? रूट से करस्पॉन्डिंग, मतलब उसके सिमिलर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्पेस बोलते हैं। क्या? स्पेक्ट्रल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्पेक्ट्रल। तो स्पेक्ट्रल वैल्यू क्या होगा? इसका भी क्या निकालेंगे हम? इसका भी निकालेंगे क्या? पहले इसका हम निकालेंगे वही सेम प्रोसीजर। क्या निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सॉल्व करेंगे और निकालेंगे इसका करैक्टरिस्टिक्स रूट। जब इसका हम करैक्टरिस्टिक्स रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? यह आ जाएगा हमारा, क्या लिखेंगे इसको करैक्टरिस्टिक रूट में? a माइनस लैम्डा आई, ठीक है। और उसके बाद में इसका आइगन वेक्टर निकाल देंगे। जब आइगन वेक्टर निकालेंगे तो इसका फिर वही हो जाएगा। आइगन वेक्टर कैसे निकलेगा? आइगन वेक्टर निकलेगा हमारा a माइनस
मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। अब मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो, ये क्या होता है, ये होता है इसका डिटर्मिनेंट। क्या होता है इसका डिटर्मिनेंट, अभी एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया, तो उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे और इसका रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो जो इसकी करेक्टरिस्टिक रूट आएगी वही क्या हो जाएगी, स्पेक्ट्रल वैल्यू हो जाएगी। क्या स्पेक्ट्रल वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं सॉल्व करता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं इसका डायरेक्ट, मैंने आपको मेथड बता दिया कैसे सॉल्व करना है, तो मैं इसका डायरेक्ट क्या बताता हूँ, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा 0, 0 और 3। क्या हो जाएगा, 0, 0, 3। कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे a माइनस लैम्डा आई, ठीक है। जब हमें किसी की आइगन वैल्यू निकालनी होती है या करेक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, उसकी a माइनस लैम्डा आई के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम उसकी एक पॉलीनोमियल इक्वेशन बनाते हैं। पॉलीनोमियल इक्वेशन का मतलब हो गया जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होता है, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स रूट आ जाएगा, या बोल लो आइगन वैल्यू आ जाएगा, या बोलो लेटेंट रूट आ जाएगा, या स्पेक्ट्रल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो हमारी कौन सी आएगी, वो हमारी आएगी 0, 0, 3। प्रोसीजर समझ में आ गया, सब कुछ समझा दिया आप लोगों को, कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आ गया ये डायग्नलाइजेशन, क्या आ गया, डायग्नलाइजेशन। अब ये डायग्नलाइजेशन क्या होता है, देखो मैंने आप लोगों को डायग्नलाइजेशन नहीं पढ़ाया था। डायग्नलाइजेशन क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि पहले, अब इसमें करते क्या हैं, अब कह रहा देखो डायग्नलाइजेशन क्या होता है, देखो इसमें तो बहुत सिंपल सा दे रखा है, क्या दे रखा है, कह रहा है कि बताओ इसमें से कि कौन सा डायग्नलाइजेशन के फॉर्म में है, कौन सा डायग्नलाइजेशन के फॉर्म में है, हमें मतलब ये पूछ रहा है कि इसमें से ये बताओ कि कौन सा डायग्नलाइजेशन के फॉर्म में है। डायग्नलाइजेशन का फॉर्म क्या होता है, डायग्नलाइजेशन का फॉर्म होता है कि जब हम उसको निकालते हैं तो वो इस फॉर्म में आता है, कैसे, यहाँ पर आ जाता है 1, यहाँ पर आ जाता है 0, यहाँ पर 0, फिर आ जाता है 0, 0, 1, 0, 0, 1, ये आता है। यानी कि ये अपर, इसका अपर वाला 0, अपर केस 0, लोअर केस 0, ये अपर केस और लोअर केस दोनों 0 होता है, और ये क्या होता है, ये डायगनल के फॉर्म में होता है, ये हमारा डायगनल के फॉर्म में होता है, किसमें, डायगनल के फॉर्म में। तो ये होता हमारा डायग्नलाइजेबल, ठीक है, ये होता हमारा डायग्नलाइजेशन, समझ में आया। अब ये निकालते कैसे हैं, डायग्नलाइजेशन का निकालने का तरीका होता है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, डी इक्वल टू, डायग्नलाइजेशन को हम डी से डिनोट करते हैं, और डी इक्वल टू होता है पी इनवर्स ए पी, वेयर ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स जो गिवन होगा। सपोज करो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 और 9, ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा हमारा ए। अब यहाँ पे पी क्या होगा, पी हमारा जो होगा ये मैं मिटा देता हूँ और पी बताता हूँ क्या होगा, ठीक है, मिटा दूँ। मैंने बताया कि डायग्नलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू होता है क्या, पी इनवर्स ए पी, क्या होता है, पी इनवर्स ए पी, वेयर ए इक्वल टू मैंने बता दिया कि गिवन मैट्रिक्स होगा, गिवन मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ए ऑफ आई जे, आई इंटू जे, ठीक है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी कोई। अब पी क्या है, पी इक्वल टू होगा जो हमारा गिवन मैट्रिक्स होगा उसका हम निकालेंगे क्या, उसका हम निकालेंगे करेक्टरिस्टिक्स रूट, या बोल लो आइगन वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, उसका हम आइगन वैल्यू निकालेंगे, और उस आइगन वैल्यू की हेल्प से क्या निकालेंगे, उसका हम निकालेंगे आइगन वेक्टर। तो अब अगर हमारा सपोज करो कि गिवन मैट्रिक्स क्या दे रखा है, ये एन क्रॉस एन की जगह हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है वो 3x3 दे रखा है, यानी 3x3 में 3 वेरिएबल होंगे, 3 अननोन वेरिएबल होंगे। अननोन वेरिएबल का मतलब हो गया x1, x2 और x3। हम निकालते थे ना, जब हम करेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालते थे, करेक्टरिस्टिक वैल्यू जब निकालते थे तो जितने अननोन होते थे उतनी करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू आती थी, x1 करके आती थी, x2 करके आती थी और x3 करके आती थी। याद आया कुछ, जब मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया था,
तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू निकाल लेंगे जब, तो जब उसकी तीन वैल्यू आ जाएगी, उससे हम क्या करेंगे, उन तीनों का एक दोबारा से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, इसको मिटा दूं पूरा क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। तो एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि हमारा एक्स वन आया, एक्स वन मतलब आइगन वैल्यू क्या आ गई, ये जो आइगन वैल्यू आई तो वो x1, अगर तीन वेरिएबल दे रखा है तो x1, x2 और x3, अगर 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है तो तीन आएगा, यानी x1 करके जब हम x1 निकालते थे तो यहाँ पे आ जाता था हमारा 1, 1 या 0 ऐसे करके, और यहाँ पे k आ जाता था, ठीक है। फिर हम x2 निकालते थे, मतलब x2 का मतलब हो गया कि जो हमारा वो आता था, सपोज करो x1 1 आ गया, x2 हमारा 4 था, तो हम x4 के लिए निकालते थे आइगन वैल्यू, सपोज करो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया, यहाँ पे गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1, 4 और 6, मैंने जैसे अभी पीछे निकाला था, ठीक है। तो ये है, तो 4 के लिए निकालेंगे तो 4 के लिए आ गया 2, 3 और 1 आ गया, ठीक है। ऐसे x6 के लिए निकालेंगे तो आ गया 1, 1 और आ गया 2, ठीक है। तो अब ये जो x1 और x4 x3 की आई है, इसका हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे, ये सारी वैल्यू एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे, 1, 1, 0 और 2, 3 और 1 लिख देंगे, और यहाँ पे 1, 1, 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स क्या बना, ये बना हमारा मैट्रिक्स P। जो ये मैट्रिक्स बना उसको हम P से डिनोट करेंगे, जो हमारा आइगन वैल्यू आएगा उसका जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसको हम P से डिनोट करेंगे, और P से डिनोट करने के बाद में हम निकालेंगे उसका P इनवर्स। क्या निकालेंगे, P इनवर्स। अब P इनवर्स कैसे निकलेगा, यहाँ तक समझ में आ गया, अब ये मिटा दूँ। P इनवर्स निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि हम निकालते थे उसका, क्या निकालते थे हम, निकाल देते थे क्या कि सपोज करो हमारा P इनवर्स आ गया, सपोज करो हमारा P इक्वल टू, अभी हमने क्या निकाला था, 1, 1, 0 और 1, 2, 3 करके निकाला था, या 1, 1, 2 करके ऐसे निकाल दिया था, ये हमारा P है। तो P इनवर्स निकालने के लिए क्या करते थे हम, यहाँ पे पीछे लिख देते थे 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, याद आया कुछ। P इनवर्स A इनवर्स कैसे निकालते थे, वैसे हम P इनवर्स निकालेंगे। अब इसमें रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगा के हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मतलब ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो पीछे वाला मैट्रिक्स है उसमें चेंजेस आएगा, जो जो हम इसमें चेंज करते जाएंगे, जो हम ऑपरेशन इसमें लगाएंगे वही ऑपरेशन इसमें भी लगेगा, याद आया कुछ। ये मैंने जब ए इनवर्स निकलवा रहा था, पीछे की वीडियो में जाके ज़रूर देखना, आप लोगों को अच्छे से याद आ जाएगा, जब मैंने ए इनवर्स निकाला था तो कैसे निकाला था, वैसे यहाँ पे हम P इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। जब हमारा A और P इनवर्स आ जाएगा, A हमें पता है, P हमें पता हो गया, तो हम निकाल देंगे डायगोनलाइजेशन, D इक्वल टू हो जाएगा हमारा P इनवर्स AP, ठीक है। अब इन तीनों मैट्रिक्स को रख के इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा, वो किसके फॉर्म में आएगा, वो डायगोनल के फॉर्म में आएगा, कैसे, यहाँ पे 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, कैसे आएगा, एक मिनट, कैसे आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, या 5, 0, 0, 0, 3, 0, 0 और 0, 0, 4, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी आ सकता है, समझ में आया, ये ऐसे भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये 1, 1 हो तभी ये डायगोनल होगा, ठीक है, ये कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो अब मैंने बता दिया कि डायगोनलाइजेशन कैसे निकालेंगे, ये आपका एक टॉपिक रह गया था, लेकिन अगर इसमें कुछ नहीं है, जो हमने पिछला कराया है उसी के बिहाफ पे ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अभी तक जितनी मैंने वीडियो डाली है आपको, अगर किसी बच्चे को ये पहले बार वीडियो देख रहा है, या आपने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ इनवर्स वाला ज़रूर देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा कि कैसे निकालना है। तो चलो इसके हम आंसर पे आते हैं। तो इसका आंसर जब हम इसको, अब ये कह रहा है कि कौन सा हमारा डायगोनलाइजेशन के फॉर्म में है, तो इनमें से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर ये, अब ये देखो ये क्या क्या दे रखा है, ये ऐसे डायगोनल बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये मैट्रिक्स दे रखा है, कह रहा है कि इसको सॉल्व करने के बाद में क्या ये डायगोनल बनेगा, तो हमने सॉल्व करके देखा तो ये नहीं बन रहा है, कह रहा क्या ये बनेगा, तो इसकी रैंक ही वन आ जाएगी, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, दो अननोन वैल्यू आएगी, ठीक है। तो
तो अगर हम सॉल्व करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या यह डायगोनल के फॉर्म में बनेगा? अगर नहीं बनेगा तो हमारा, तो कह रहा कि अच्छा, फिर कह रहा कि क्या दोनों बनेंगे कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो मैंने सॉल्व करके देखा था, तो हमारा आंसर जो आ रहा था कि ये भी डायगोनल के फॉर्म में नहीं आ रहा था, ये भी नहीं आ रहा था, दोनों नहीं आ रहे थे, तो हमारा आंसर था नन ऑफ दीज। लेकिन आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये पूरा इस पर सॉल्व करोगे। अगर डायगोनलाइजेशन के ऊपर अगर कोई वीडियो बनानी है, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझना है, नहीं समझ में आया, तो मैं उसकी डिटेल वीडियो आप लोगों को बना के दे दूंगा, ठीक है? अदरवाइज़ मैंने इतना समझा दिया आपको कि आप कर लोगे, क्योंकि कुछ नहीं है, पिछला जितना पढ़ाया है उसी में से आगे है। क्या है? डी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, ठीक है? कैसे है ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़े, चलो आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखा है, कह रहा है कि एफ लैम्डा इज अ प्रॉपर वैल्यू ऑफ ए, लैम्डा इज अ प्रॉपर वैल्यू ऑफ ए, देन दी प्रॉपर वैल्यू ऑफ ए डैश, देन दी प्रॉपर वैल्यू ऑफ ए डैश। ये प्रॉपर्टी होती है, ये थ्योरम होता है। जब मैंने 3 थ्योरम करवाया था उसी का ये पार्ट था, ठीक है? तो मैंने सोचा था कि करवा देंगे, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, बच्चों को बोर लगेगा, ठीक है? इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कराया, बहुत छोटा सा है, ठीक है? तो जैसे उसमें मैंने कंडीशन लगवा के करवाया था, उसी से जब करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, जो 6 का आंसर आएगा वो आएगा आपका क्या, इसका भी आंसर क्या आएगा, अगर हम लैम्डा डैश की वैल्यू हम निकालते हैं तो इसका भी आंसर कितना आएगा, इसका भी आंसर आएगा हमारा लैम्डा, क्या आएगा, लैम्डा। लैम्डा इज अ प्रॉपर वैल्यू ऑफ ए, तो प्रॉपर वैल्यू ऑफ ए डैश की भी क्या आएगा, लैम्डा ही आएगा, ठीक है? आगे बढ़े, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब कह रहा है कि इफ करैक्टरिस्टिक्स, इफ लैम्डा इज अ करैक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए, करवाया था ना, लैम्डा इज अ करैक्टरिस्टिक ऑफ रूट ए, देन कह रहा है करैक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए कॉन्जुगेट। अब ए कॉन्जुगेट का करैक्टरिस्टिक रूट पूछ रहा है, ठीक है? तो ए जब हम कॉन्जुगेट का निकालते हैं, कॉन्जुगेट वाला करवाया था अभी, शायद लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने करवाया है कॉन्जुगेट वाला, तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें लैम्डा के ऊपर डैश आ जाता है, क्या आ जाता है, लैम्डा के ऊपर डैश आ जाता है, और आपका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़े, आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, इफ लैम्डा इज अ करैक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए, कह रहा कि लैम्डा क्या है, तो यही मतलब वही चीज़ें इसने दोबारा से दोहरिया दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, चेंज ये कर दिया, इसने दोनों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बना दिया। अब ध्यान से पढ़ना, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लैम्डा इज अ करैक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ ए, कह रहा लैम्डा क्या है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब ए, मतलब ए कोई एक मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका लैम्डा क्या है, करैक्टरिस्टिक्स रूट है, या रूट बोलो या आइगन वैल्यू बोलो, ठीक है? तो कह रहा कि आइगन वैल्यू दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए का लैम्डा, ठीक है? तो कह रहा लैम्डा डैश इज द करैक्टरिस्टिक रूट ऑफ ऑफ क्या, क्या हो सकता है इसमें से, इसमें से ये भी आ सकता है, देखो इसमें से ए भी आ सकता है और ये भी, दोनों का हो सकता है ये, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर बोथ, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आ गया, इफ इसका आंसर आ गया बोथ, यानी अगर हमारा करैक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट करना हो तो ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है? ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है? अब आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा कि इफ लैम्डा इज अ करैक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए, तो क्या फाइंड आउट करो, तो फाइंड आउट करो देन द करैक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए इनवर्स। देखो जी देखो, जो मैंने आप लोगों को पिछले दूसरे मतलब लास्ट सेकेंड वीडियो में, इसके पीछे से मैंने तो जो इसके अगले से अगले वीडियो में मैंने 3 प्रॉपर्टी करवाई थी, उसी पे क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है। देखो कह रहा कि इफ लैम्डा इज अ करैक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए, कह रहा लैम्डा का करैक्टरिस्टिक रूट ए दे रखा है, कह रहा कि देन करैक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का करैक्टरिस्टिक रूट क्या होता है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में, लास्ट टू लास्ट वीडियो में करवाया था इसका करैक्टरिस्टिक आएगा, मुझे इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, 1/λ आएगा, क्योंकि मैंने ये करा चुका हूँ।
अब क्या कह रहा है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा कि इफ लैम्डा इज अ करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए, लैम्डा क्या है कि ए मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक रूट है, तो कह रहा है कि बताओ कि देन द करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए करेक्टरिस्टिक रूट किसका होगा, कह रहा है ये बताओ। ठीक है, तो ये इसी का पार्ट है जहाँ पे लैम्डा एडजॉइंट आ जाएगा, तो एडजॉइंट क्या होता है, ए इनवर्स का पार्ट होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी। क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, मॉड ऑफ ए अपॉन लैम्डा। क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए अपॉन लैम्डा। ठीक है, आ जाओ अब कहाँ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या दे रखा है, कह रहा है इफ ऑल द करेक्टरिस्टिक रूट ए आर रियल, कह रहा कि सारे करेक्टरिस्टिक रूट ए जो हैं वो क्या दे रखे हैं, रियल दे रखे हैं, देन बताओ कि क्या होगा, ये इज हर्मिशियन होगा या ए इज स्क्यू हर्मिशियन होगा या ए इज ऑर्थोगोनल होगा या ए इज यूनिटरी होगा। ठीक है, तो 11 का देखो, जब ऑल करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, रियल के केस में हमारा क्या होता है, हमारा हमेशा हर्मिशियन होता है। क्या होता है, हमारा हमेशा हर्मिशियन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हर्मिशियन। ठीक है, आ जाओ आज के क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, कह रहा है लेट इन द रूट ऑफ ए आर आइदर जीरो आर प्योरली इमेजिनरी। एक तो होता है कि जो गिवन होता है, एक होता है इमेजिनरी, मैंने कुछ मान लिया। ठीक है, देन ए इज, ए क्या होगा, हर्मिशियन होगा, ए क्या होगा, हर्मिशियन होगा, या कह रहा है कि बताओ कि ये हमारा क्या होता, एंटी हर्मिशियन का मतलब हो गया स्क्यू हर्मिशियन। क्या, यहाँ पे एंटी हर्मिशियन का वर्ड यूज किया है, तो जब इमेजिनरी होता है या जीरो होता है, ठीक है, तो क्या होता है इमेजिनरी, देखो रियल के केस में हमारा हर्मिशियन हो गया, लेकिन इमेजिनरी के केस में हमेशा क्या होता है, एंटी हर्मिशियन यानी कि स्क्रू हर्मिशियन। क्या, स्क्रू हर्मिशियन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द लेटेंट रूट ऑफ ए आर यूनिमॉडुलर देन ए इज ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल का केस क्या होता है, ऑर्थोगोनल का केस होता है कि ए इंटू ए डैश बराबर, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो क्या आता है, आई आता है, या फिर यूनिटरी के केस में वो क्या होता है, ए इंटू ए कॉन्जुगेट का वो हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आई आता है। तो ये हमारा क्या, ये कौन सा केस होता है, ये होता है हमारा यूनिमॉडुलर का केस। ठीक है, कौन सा केस होता है, यूनिमॉडुलर का केस। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ। तो 13 का आंसर क्या हो गया, 13 का आंसर हो गया बोथ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्या कह रहा है, रूट ऑफ द इक्वेशन ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो दे रखा है इज कैटल्ड। तो प्रॉपर वैल्यू आएगी कि स्पेक्चुरल वैल्यू आएगी कि दोनों आएगी, कह रहा है ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो कह रहा है कि कौन सी वैल्यू आएगी, इसमें कह रहा है कि कौन सी वैल्यू आएगी, ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू क्या दे दिया इसने, ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू दे दिया जीरो दे दिया, तो कह रहा है कि तो इस केस में क्या होता है, इसमें दोनों वैल्यू आती है, स्पेक्चुरल वैल्यू भी आती है और प्रॉपर वैल्यू भी आती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ। आ जाओ आज के क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि द सेट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, द सेट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक रूट मतलब सारे करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, क्या कह रहा है, स्पेक्ट्रम ऑफ द मैट्रिक्स ए, या कह रहा है करेक्टरिस्टिक सेट ऑफ ए, या बोथ, या दोनों कहलाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या कहलाता है कि ये हमारा होता है अ सेट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ ए, क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम ऑफ ए। ये एक डेफिनेशन होती है, ये एक डेफिनेशन होती है कि द सेट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ ए। ठीक है, याद कर लोगे, आगे बढ़े, ओके आ जाओ आज के क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, कह रहा है लेटेंट रूट ऑफ द मैट्रिक्स, फिर आ गया लेटेंट रूट बताना है भैया, तो क्या करोगे इसमें, फिर वही लगा दोगे, पहले निकालोगे ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है, फिर निकालोगे मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो, तो ये बन जाएगा करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन सॉल्व करोगे तो रूट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसके आ जाएंगे ए बी सी। जब देखो, जब लेटेंट रूट का और ये तीनों आपस में जीरो हों,
ध्यान देना, अगली बार से ध्यान देना, इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब ये तीन आपस में जीरो हों, ये अगर ये तीन किसी भी उसमें किसी भी मैट्रिक्स में अगर ये तीन जीरो हैं और उसमें रूट पूछ रहा है, करेक्टरिस्टिक्स रूट पूछ रहा है या आइगन वैल्यू पूछ रहा है, तो जो इसका डायगनल दे रखा है यही हो जाता है, ए बी और सी हो जाता है, ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है। आगे बढ़ें, अब कह रहा है कि प्रॉपर वैल्यू ऑफ द ए, क्वेश्चन नंबर 17 के दे रखा है, 17 कह रहा है कि प्रॉपर वैल्यू ऑफ ए, ए की प्रॉपर वैल्यू बताओ। अब इसको सॉल्व करेंगे और इसकी जब हम प्रॉपर वैल्यू निकालेंगे तो इसकी प्रॉपर वैल्यू क्या आएगी, इसकी प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी 111। अभी मैंने बताया था कि प्रॉपर वैल्यू हो, लेटेंट रूट हो या आइगन वैल्यू हो या करेक्टरिस्टिक रूट हो, जब ये दे रखा हो, ये तीनों जीरो हो आपस में, ये तीनों जीरो हो तो यही आ जाता है सेम, तो आ जाएगा 1111, क्योंकि हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 आएगा, तो तीनों 1 आ जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, 18 क्या कह रहा है, 18 कह रहा है कि आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वैल्यू बतानी है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि आइगन वैल्यू आप अब निकाल लोगे, क्योंकि आपको आइगन वैल्यू निकालना आ गया, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हमारा ए दे रखा है, क्या -1, 1 एंड 1, ये अभी ऊपर मैंने बताया था, उसी का ये उल्टा फॉर्म दे रखा है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे, कह रहा है इफ लैम्डा इज अ लेटेंट रूट ऑफ ए, वो तो पता है, देन द लेटेंट रूट ऑफ ए डैश या ए मॉड ऑफ ए, ठीक है, तो इसका लेटेंट रूट पूछ रहा है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसका, क्योंकि ये अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था, जब हम इसका लेटेंट रूट निकालते हैं, ये देखो ये इसका लेटेंट रूट निकालते हैं, तो इसका लैम्डा ही आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी सबसे ऊपर मैंने करवाया था, ये हमारा एक क्या होता है, थ्योरम होता है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लैम्डा। आगे बढ़ें, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है कि इफ लैम्डा इज अ करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए, कह रहा कि लैम्डा क्या है, एक करेक्टरिस्टिक रूट दे रखा है ए, कह रहा कि देन द करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए डैश इज, ओके यार वही क्वेश्चन भैया बार बार ना रिपीट कर रहा है सब, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, 20 का आंसर क्या आ जाएगा, 20 का आंसर आ जाएगा बी, तो वो बार बार पूछा है, तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब कि बार बार रिपीट करने का मतलब ये हो गया कि इसको और कैसे पूछ सकता है, इसको ऐसे पूछ रहा है, फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है, इसको ऐसे भी पूछ सकता है, तो ये जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब ये बता रहा है कि अगर इसको ऊपर ऐसे पूछा था तो ये ऐसे भी पूछ सकता है, तो इसका आंसर आ गया ए, मतलब सॉरी इसका आंसर आ गया लैम्डा डैश, एक आ गया क्या, अगर ए का लैम्डा दे रखा है करेक्टरिस्टिक रूट, तो ए डैश का क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश, ठीक है। आ जाओ 21 पे, 21 क्या कह रहा है, कह रहा है लैम्डा इज अ प्रॉपर वैल्यू ऑफ ए, लैम्डा क्या है, प्रॉपर वैल्यू ऑफ ए, तो कॉन्जुगेट ऑफ ए का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बताओ, अब कह रहा है कॉन्जुगेट बताओ, फिर वही, तो भैया कॉन्जुगेट तो हमेशा लैम्डा डैश ही होता है, अभी ऊपर बताया था, ठीक है, तो 21 का क्या हो गया, 21 का हो गया बी। अब आ जाओ 22 पे, 22 क्या कह रहा है कि लैम्डा इज अ फैक्चुअल वैल्यू ऑफ ए, कह रहा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि इफ लैम्डा इज अ क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ लैम्डा इज अ प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ ए, देन स्पेक्ट्रल वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज, कह रहा है कि स्पेक्ट्रल वैल्यू क्या हो जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए इज, ए की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि इसकी, अभी मैंने ऊपर बताया था कि अगर हमें एडजॉइंट निकालना होता है तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है कि मॉड ऑफ ए डिवाइड बाई लैम्डा, ठीक है, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ए डी जे ऑफ ए अपॉन क्या होता है मॉड ऑफ ए होता है, ये होता है, ठीक है। तो जब हम मॉड ऑफ ए निकालेंगे, सॉरी जब हम ये निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, और इसका होता है 1 अपॉन लैम्डा, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो गया क्या बी, ठीक है। अब आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 23 पे,
23rd क्या कह रहा है कि लैम्डा इज अ आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो ए फिर वही घुमा दिया, तो कह रहा है ए इनवर्स की बताओ, तो इसमें बताने की क्या जरूरत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। आगे बढ़े, आ जाओ आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे, कह रहा है कि बताओ करेक्टरिस्टिक रूट दे रखा किसका, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा इज। अब कह रहा है करेक्टरिस्टिक रूट बताओ इसका, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम करते हैं, लेकिन इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले बनेंगे और उस फॉर्मूले के बिहाव पे फिर इसका आंसर जो निकल के आएगा, करेक्टरिस्टिक रूट निकल के आएगा, सेम प्रोसेस है सॉल्व करने का। क्या, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें ए माइनस लैम्डा आई में, ठीक है, फिर हम निकालेंगे मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो, पॉलीनोमियल इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को जीरो के बराबर रखेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी रूट्स आ जाएगा, और रूट्स जो आएगा यानी आइगन वैल्यू जो आएगी वो फिर इसका क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक रूट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, उसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ यानी दोनों हो सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, 25 दे रखा है कि करेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर यूनिमॉडुलर देन ए इज। अब यूनिमॉडुलर, अरे यार फिर वही भैया, जब यूनिमॉडुलर होता है, अभी ऊपर मैंने बताया था वही क्वेश्चन इसने रिपीट कर दिया है, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ, यानी यूनिमॉडुलर के केस में क्या होता है कि ऑर्थोगोनल भी होता है और यूनिटरी मैट्रिक्स भी होती है, तो 25 का आंसर हो जाएगा हमारा बोथ यानी कि सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 क्या कह रहा है, लेट ए इज अ आइडमपोर्ट मैट्रिक्स देन द लेटेंट रूट ऑफ ए। आइडमपोर्ट मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने पहले आपको डिस्कस किया था ना, आइडमपोर्ट मैट्रिक्स बताया था, तो जो आइडमपोर्ट मैट्रिक्स होता है आइडमपोर्ट का मतलब होता है कि अगर हमारा दे रखा है कि ए द ए इंटू ए, ए इंटू ए बराबर वन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए इंटू ए बराबर ए इंटू ए बराबर ए आ जाए, ए इंटू ए का मतलब हो गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर ए आ जाए। और ये आइडमपोर्ट मैट्रिक्स मैंने जब मैंने बहुत पहले करवाया था, मैट्रिक्स स्टार्ट किया था, तब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ए इंटू ए बराबर ए कैसे आएगा। हाँ अभी याद आया मुझे, जब मैं आप लोगों को हर्मिशियन मैट्रिक्स करा रहा था, जब मैंने आप लोगों को हर्मिशियन मैट्रिक्स कराया था, तब उसमें मैंने बताया था कि ए इंटू ए बराबर ए कैसे आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि लेट ए इज द आइडमपोर्ट मैट्रिक्स देन द लेटेंट रूट ऑफ ए, तो कह रहा है कि लेटेंट रूट क्या हो जाएगा ए का, ए का लेटेंट रूट बताओ, तो इसका लेटेंट रूट हो जाएगा, इसका लेटेंट रूट जीरो भी आ सकता है और वन भी आ सकता है, ठीक है, तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा बोथ। अब आगे बढ़े, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे, 27, 28 और 29, ठीक है। कह रहा है करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर, अभी बताया भैया रियल होता है, ठीक है, इमेजिनरी होता नहीं है, इमेजिनरी किस में होता है, उस केस में होता है, किसके केस में होता है, तो करेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज रियल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, अभी बताया क्या होता है, इमेजिनरी या फिर जीरो, आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, तो इसका हो गया 28 का बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा कि ट्रुथ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या दे रखा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई द ओन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कह रहा पहला सही है कि गलत है। अब कह रहा दूसरा बताओ कि सिमिलर मैट्रिक्स हैव सेम आइगन वैल्यू, क्या सिमिलर मैट्रिक्स के सेम आइगन वैल्यू हो सकते हैं, या कह रहा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है ओन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, तो पहला क्या होगा, ये दोनों सही हैं कि दोनों में से कोई एक सही है कि दोनों नहीं सही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोनों सही हैं भैया, कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो सेटिस्फाई करता है वो ओन, जो उसके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो सेटिस्फाई करता है वो ओन रूट्स होते हैं उसके, ठीक है, समझ में आ गया, ओन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है जो उसके आइगन वैल्यू निकलते हैं, ठीक है। और सिमिलर मैट्रिक्स के, जो सिमिलर मैट्रिक्स दे रखा है, मतलब सेम मैट्रिक्स अगर दे रखा है, सिमिलर का मतलब हो गया सेम, मतलब ए बराबर ए, ए बराबर बी,
यानी ए बराबर अगर 1, 2, 3, 4 दे रखा है तो बी बराबर भी क्या दे रखा है 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 2 है, यानी दोनों मैट्रिक्स सिमिलर है, दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो जब दोनों मैट्रिक्स सेम है तो उसके आइगन वैल्यू भी सेम होंगे, तो इसलिए ये दोनों हमारा सही हो जाएगा और ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ टाइप के क्वेश्चन। तो आज से आपका मैट्रिक्स चैप्टर ख़त्म होता है और ये आपका टोटली अब मैट्रिक्स का जो भी यूनिट था, यूनिट के हिसाब से जितना भी दे रखा था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, मैंने सारा कुछ करा दिया है। अगर कुछ छूट गया है, आपको लगता है कि हाँ ये भी मतलब आ सकते हैं या ये भी इम्पॉर्टेंट है या हमें जानकारी के लिए ये भी हमें जानना चाहिए, तो अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस पर एक पूरा ओवरऑल मैट्रिक्स में जो जो रह गया उस पर एक पूरा ओवरऑल एक वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।